टू थ्री। जी मेरे दोस्त उस्मान खान मैसेज करते हैं कि उस्मान भाई ये मैसेज करते हैं उस्मान खान, इरफान भाई अगर आप शिकार पर डोरी बनाना नहीं सिखा सकते तो घर पर बनाना सिखा दें। जी उस्मान भाई मैंने आपके लिए बिल्कुल वीडियो बनाई है, आप देखिएगा और इसे अच्छे से समझिएगा किस तरह की डोरी है, किस तरीके से हम लगाते हैं और किस तरीके से हम घिसर पकड़ते हैं। इसमें मैंने आपके सामने देखे जिंदा घिसर है, अभी डोर भी नहीं निकाली, कांटा अभी छुड़ा रहा है। इससे 15 मिनट पहले तकरीबन हमने बड़ा घिसर निकाला था, उसकी भी वीडियो है, वो भी दिखाया आपको, और इसे अच्छे से देखिए और डोर बनाना जो है वो अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए हमें मेन चीज जो है घिसर मारने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप अच्छी लोकेशन पर खड़े हो जाएं, वो है कि नीचे मार होने चाहिए, पत्थर होने चाहिए, पहाड़ होना चाहिए नीचे, वो हमें पता चल जाता है डोरी से, और हमारे पास एक हैवी वेट होता है जिससे हम चेक करते हैं, उस चीज़ से हमें पता चल जाता है कि यहाँ नीचे क्या है, उस हिसाब से हम खड़े होते हैं नंबर पे, लोकेशन पे, उसी नंबर को हम पंच करते हैं अपने जीपीएस में जहाँ मार होती है, और मार के ऊपर ही हमें जो है घिसर मिलते हैं, बड़े घिसर ज़्यादातर मार पर ही होते हैं। आप भी अगर जाएँ चन्ना आइलैंड के शिकारी हैं आप, गुड्डू वाली या कहीं भी आप जाते हैं, हयात पर जाते हैं, गडानी घोड़े पर जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, घिसर आपको हर जगह ही मिल जाता तकरीबन, तो इसके लिए आपका मार पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। भेड़ में घिसर आते हैं, बहुत कम आते हैं और छोटे आते हैं, बाछुड़े आते हैं, और मार पर जो घिसर आएगा वो बड़ा आएगा। चारा जो है इसके लिए आप कोई भी चारा यूज कर सकते हैं, उसमें चमक होनी चाहिए, नरम होना चाहिए। इसका स्पेशल चारा जो है वो कालाकुन, चिन और बहुत सारी नस्ल की खैर छोटी मछलियाँ, चुम्मा, बांगड़ा और मैया। मैया तो खैर तकरीबन हरी मछली सब मछलियों का तकरीबन फेवरेट है, मैया को हर मछली लाइक करती है। और घिसर के लिए जो है वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं खर, खर मतलब कोई भी छोटी मछली, ये तकरीबन सभी मछलियों को खाया जाता है। पुचांगड़ा, पुचांगड़ा हम कहते हैं ऑक्टोपस को, ऑक्टोपस को बहुत शौक से खाता है, बहुत अच्छे से खाता है, एक ऑक्टोपस पर आप दो घिसर भी मार सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मेरी आज की वीडियो आपके लिए, आप देखिए, डोर बनाना सीखिए, समझिए, शिकार करें, आप मुझे बताइएगा क्या वीडियो अच्छी लगी, डोर बनाना अच्छा है, तरीका सही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं। ये देखिए अभी घिसर आए, छोटा है ये, इसे हम बाचूड़ा कहते हैं, जो छोटे घिसर होते हैं, और दिखाइए ज़रा बड़ा वाला भी दिखाइए, इसका किल्लू छुड़ा दें, बता दें। हाँ किल्लू छुड़ाएं इसका, इसे 10 मिनट 15 मिनट पहले बड़ा घिसर आया, तकरीबन 15 से 20 किलो का, वो आपको अभी दिखा देते हैं। और बहुत सारे दोस्तों का ये कहना था इरफान भाई घिसर की डोर किस तरीके से बनाई जाती है, मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको डोर। और ये भी पूछा था कि भाई कोई मखसूस जगह, हाँ इसकी मखसूस जगह ये होती है कि नीचे मार होनी चाहिए, पहाड़ होने चाहिए नीचे, आपकी डोर फंसे इस तरह की मार होनी चाहिए, ऐसी जगहों पर ये घिसर पाए जाते हैं। और घिसर का चारा, चारे में घिसर बहुत सारी चीज़ें खाता है, ये देखिए ये घिसर है माशाल्लाह, इसका फेस इधर दिखाएं, घुमाओ, वेरी गुड, अब उठाएं इसको, सुहेल भाई से उठ भी नहीं रहा ये, वेरी गुड, और ऊपर करें माशाल्लाह, जबरदस्त, रख दीजिए भाई, ये भी जिंदा है, आपने देखा इसका मुंह भी खुला हुआ है अभी, और अभी आपको करीब से भी दिखा देते हैं, वेरी गुड। अभी मैं आपको डोर बनाने दिखाऊं कैसे बनाई जाती है घिसर की डोर, और किस तरीके से लगाई जाती है ये भी समझाता हूँ। सुहेल भाई ज़रा इधर आइए, ये आदिल भाई, आदिल भाई, सुहेल उर्फ अच्छू, शमीम भाई, इमरान भाई, हाँ भाई, ये हमारे इमरान भाई मोरे पर बैठे हैं, और ये इरफान राज, ये लीजिए, वाह भाई, भाईजान एक क्लिप जरा, अस्सलाम वालेकुम, बनाओ फिर ये पेटी में चले जाएगा, 3 नंबर का कांटा, इसे मैं आपको अभी बांध कर भी दिखाता हूँ किस तरीके से बांधते हैं हम लोग, ये इज नाइफ,
जरा गौर कीजिएगा। लाइन स्ट्रेट, वन रिंग, ये यहाँ से पकड़ा इसे और इस तरीके से यहाँ से आप इसे पकड़ें और ये राउंड, वन टू थ्री एंड फोर, ये काफ़ी है। चार रिंग हमने इस पे दिए और अब हम इस सिरे को खींचेंगे इस तरीके से। अब इसे हमें यहाँ लॉक करना है, ठीक है। तो जितनी ताकत है आप पूरी ताकत से इसे लॉक करें, चेक कर लेते हैं, मुतमईन हो जाए। फुल जान लगा के ताकि मछली कितनी भी बड़ी आ जाए ये ना खुले और ना टूटे। इसे हमने फुल जाम कर दिया। ये देखिए, इस वायर को आप हमेशा अंदर की तरफ ऊपर की तरफ रखिएगा। इससे क्या होगा कि मछली के ऊपर वाले हिस्से में जो हड्डी वाला हिस्सा है उसमें हुक होगा, किल्लू कहीं और हुक नहीं होगा। अगर कली में लगता है तो कली फट जाती है, हल्का घाव लगता है जिसकी वजह से मछली मिस हो जाती है। ब्लेड की तरह दांत रखने पड़ते हैं। हम कांटे से बेट तक का जो डिस्टेंस है इसे पौधा कहते हैं। ये हमें रखना है इतना किस्सर के लिए, ठीक है, इतना पौधा रखते हैं। और वेट हम इसमें इतना रखते हैं जितना जरूरी है, चारे के हिसाब से हम इसमें वेट छोड़ते हैं। चलो, ये चार गोलियां डाली हुई है इसके अंदर, चार नंबर की हैवी वेट है, जितनी जरूरत हो उतना छोड़ दो इसे। पानी के बहाव के हिसाब से, चारे के हिसाब से, इस हिसाब से चारे को फड़कता हुआ भी नजर आ गया, कांटे को मतलब वेट छोड़ा जाता है फिलहाल मरावाला। तो ठीक है दोस्तों, जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे आपको, जितना हो सकेगा आपको ग्रो करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं यहीं, अल्लाह के नाम के साथ। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।